वोटर कार्ड को हम तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब हमारे वोटर कार्ड में यूनिक मोबाइल नंबर लिंक होता है। सो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप वोटर आईडी कार्ड में अपना यूनिक मोबाइल एक ऐड कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो और वहाँ पर आप लिंक कैसे कर सकते हो। मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको वोटर पोर्टल का एक लिंक पर आना होगा। इसका जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे भी डाल दिया हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस या फिर नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी करेंगे। आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कन्फर्म पे भी वही पासवर्ड को एंटर करना है, मैथ को सॉल्व करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट जो है बन जाएगा, आपके सामने आ जाएगा वेलकम। हम वेलकम पर क्लिक करेंगे। तो आपका अकाउंट बनने से पहले आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल डिटेल्स को फिल करना है। तो पहले आपको अपना नाम डालना है, नीचे अपना स्टेट को यहाँ से क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट करना है, अपना जेंडर डालना है, इसके बाद सबमिट। आपका अकाउंट कम्प्लीटली बन चुका है। अभी आप इस पोर्टल के ज़रिए वोटर कार्ड से रिलेटेड जो भी काम अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड नया वाला अप्लाई करना है तो पहला आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू वोटर कार्ड। यहाँ पर क्लिक करके न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको करेक्शन कराना होगा तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको डिलीट कराना होगा तो तीन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराना है तो यहाँ पर आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला आपको स्क्रीन आ जाएगा, नीचे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आपको बोल रहा है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है क्या। अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद नीचे वोटर कार्ड का नंबर डाल के फेच डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे बोल रहा है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड, मतलब कि एक रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हमारे पास डिटेल्स आ चुका है, यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अभी जैसे कि हमारे वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर को ऐड कराना है, इसीलिए हम यहाँ पर करेक्शन वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाले पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है। आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आप यहाँ पर अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या चेंज कराना चाहते हैं। एक बार में यहाँ पर चार एंट्री को चेंज करा सकते हैं, जैसे कि नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, ऐसा। हमारे केस में वोटर आईडी कार्ड में सिर्फ मोबाइल नंबर को ऐड कराना है, तो मोबाइल नंबर करेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो टैब है यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड नंबर होगा तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर जो आपने ऐड किया होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा, तो आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जनरल डिक्लेरेशन आ जाएगा। इस पेज पर डेट तो आ चुका है, प्लेस आपको डालना है। नीचे अपना नाम डालेंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा फॉर्म 8 कम्प्लीटली फिल हो चुका है, आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। तो इसको आप यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेना होगा। अगर आपको सब कुछ सही लगे तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी गलती दिखे तो यहाँ पर नीचे एडिट फॉर्म पर क्लिक करके इस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सब कुछ सही होगा तो नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे कि हमारा डिटेल्स सबमिट हो चुका है, आपको यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी भी मिल चुका है, इसे हम यहाँ पर ऐसे कॉपी करेंगे। अभी आपका वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद वोटर कार्ड को हम कैसे 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए जैसे कि यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी मिल चुका है हमको, इसे हमको ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए होम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक स्टेटस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर को यहां पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमारा एप्लीकेशन जो है ट्रैक हो चुका है, सबमिटेड सिर्फ हुआ है, वेलो अपॉइंटेड होगा, इसके बाद फिल वेरीफाई होगा और इसके बाद एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह से अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को ऐड या फिर करेक्शन कराना होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार आपका वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा, उसके बाद वोटर कार्ड को आप 2 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर कार्ड को मोबाइल नंबर में लिंक करने के बाद डाउनलोड कैसे करते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक हमने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं।